मतलब अभिषेक ने जो थप्पड़ मारा है चिंटू को, दैट वॉज सो मच रिक्वायर्ड आई थिंक। ईशा और समन से ज्यादा गिरे हुए और घटिया लोग मैंने आज तक नहीं देखा। ईशा इज नो बडीज फ्रेंड, शी इज वेरी सेल्फिश एंड शी इज वेरी वेरी अनफेयर। हाय एवरीवन, तो मुझे आपसे ये कहना था कि पिछले दो दिन से मैं बिग बॉस नहीं देख पाई थी, तो आज मैंने दोनों दिन के एपिसोड्स देखे और जो दो दिन में इतना केओस हो गया, इतनी सारी चीज़ें हो गई, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, इस दुनिया में आई वुड बी द लास्ट पर्सन जो वायलेंस को 0.5% भी सपोर्ट करेगा। बट जो हुआ, मतलब अभिषेक ने जो थप्पड़ मारा है चिंटू को, दैट वॉज सो मच रिक्वायर्ड आई थिंक। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन वुड हैव यू नो हैड सिंपैथी फॉर समर्थ की यार बेचारे के साथ किया हुआ, एक्सेप्ट फॉर द हाउसमेट्स ऑफ समर्थ हु आर सपोर्टिंग हिम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट द रियलिटी इज। तो सब लोग खुश है बिकॉज जनता ये चीज करना चाहती थी और अभिषेक ने ये चीज कर दिया। आई नो मारना बिग बॉस में अलाउड नहीं है, बट ट्रस्ट मी, पोकिंग इस लेवल तक चली गई थी कि अगर अभिषेक के अलावा उस पूरे घर में, आई कैन से दिस टू यू इन राइटिंग, पूरे घर में अभिषेक के अलावा कोई भी होता, वो अभिषेक ने एक थप्पड़ मारा वो उससे भी जोर से शायद दो थप्पड़ मारता, बिकॉज पोकिंग इस लेवल तक की हो गई है, उसको मेंटली इतना परेशान किया जा रहा है। और रुको, स्टोरी खत्म हो रही है, नेक्स्ट स्टोरी। मैंने कभी भी इतना बिग बॉस को लेके ये सीजन के बारे में इतना वोकल नहीं हुई हूँ, बट ना मुझे गुस्सा इतना आ रहा है, मुझसे लाइक लिटरली बर्दाश्त नहीं हो पा रही ये चीज, वेयर यू नो ईशा ने अगर अंकिता को कैप्टन बनाया कल के एपिसोड में, बट वो ईशा नहीं बनाना चाहती थी क्लियरली, वो मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि स्ट्रेट खेल रही है, वो समर्थ के लिए करती, बट मुनव्वर ने कहीं ना कहीं वो चीज बोला कि नहीं नहीं तुमने तो बोला था कि ठीक है नेक्स्ट वाले इसमें हम समर्थ को निकालेंगे और फिर हम लोग बाकी आगे का देखेंगे। ईशा बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, वो एकदम ही यू नो अनफेयर गेम खेलना चाहती थी यहाँ पर भी, बट मुनव्वर ने बोला नहीं जी। बट अंकिता को ये चीज नहीं पता है कि ईशा ने उनके लिए ऑप नहीं किया है वो कैप्टनसी, वो तो मुनव्वर ने बोला, फिर उन्होंने बोला हाँ आई ओ दिस टू यू इसलिए मुझे करना है, वो बिल्कुल ही फेक था। बट अंकिता, ऑफ कोर्स हम लोग टीवी पे देख रहे हैं, वो लोग एक दूसरे का नहीं देख सकते, बट ईशा इज नो बडीज फ्रेंड, शी इज वेरी सेल्फिश एंड शी इज वेरी वेरी अनफेयर। ओके, मैं दूसरी स्टोरी लेने वाली थी, बट सिमरन कुछ कुछ कर रही थी तो काफी क्यूट लग रही थी। मेरा दूसरा पॉइंट ये था कि मुझे बिग बॉस 17 में जो पसंद है दैट इज अभिषेक, एंड दूसरा मुझे अंकिता लोखंडे एज अ पर्सनालिटी पसंद है, बट मुझे ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल बायस नहीं, मेरा ये परसेप्शन था उनके बारे में, बट आफ्टर दिस इंसिडेंट जो अभिषेक के साथ हुआ, और मुझे ऐसा लगता था कि वो स्टैंड लेंगे, भले उनका अभिषेक के साथ पर्सनल जो कुछ भी है, बट उनको लग रहा है अभिषेक के साथ गलत हो रहा है, तो वो एटलीस्ट 1% स्टैंड लेंगे अभिषेक के लिए, बट डिस्पाइट ऑफ दैट वो ईशा की तरफ से ही स्टैंड ले रही थी, जबकि ईशा गलत थी। समर्थ इतना पोकिंग कर रहे थे, अगर अंकिता कोई इतना पोक करता मुझे नहीं लगता वो शांत बैठते, तो उन्होंने वो चीज पे अभिषेक का 1% भी स्टैंड नहीं लिया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और मुनव्वर ने अपनी दोस्ती निभाई और उसने स्टैंड लिया अभिषेक का, वो अभिषेक को बोल भी रहा है ये चीज कि हाँ भाई तूने गलत किया, बट ही इज देयर विद हिम कि नहीं तेरे साथ भी गलत हुआ है, बट घर में तुम अभिषेक को ये बोल रहे हो कि तुम गलत हो, बट उसको ये बोलने के लिए कोई नहीं खड़ा एक्सेप्ट फॉर मुनव्वर कि नहीं भाई वो लोग भी गलत कर रहे हैं। बट ये चीज बिग बॉस ने भी पॉइंट आउट की कि पोकिंग बहुत ज्यादा हो रही है, बट ये सीजन का विनर कोई भी हो सकता है, बट ईशा और समर्थ बिल्कुल नहीं हो सकते, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। हाय गाइस, तो कल वाला एपिसोड मैंने देखा और कहने के बाद तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि ईशा और समर से ज़्यादा गिरे हुए और घटिया लोग मैंने आज तक नहीं देखा है। आप किसी की मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ा रहे हो नेशनल टेलीविजन पे, आप उसका मजाक बना रहे हो, आप उसे पोक कर रहे हो, प्रवोक कर रहे हो, आप उसे लिटरली बुली कर रहे हो, आप पर्सनल मैटर्स पे उसको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हो, उसके मॉम डैड के बारे में बात कर रहे हो, क्या क्या नहीं बोल रहे हो, कैसे लोग हो यार, कैसी परवरिश है आप लोगों की, मुझे तो समझ में नहीं आता। बट वट एवर, मुझे इन चीज़ों में नहीं घुसना। ऑल आई वॉन्ट टू से इज आई थिंक अभिषेक रियली नीड्स आर सपोर्ट एंड रियली नीड्स आर हेल्प राइट नाउ। प्लीज़ उसको वोट करो एंड मेक श्योर कि ट्रॉफी वही लेके आए, और बाकी उन दोनों की जितनी मैं कम बात करूँ उतना बेहतर है, वो डिज़र्व ही नहीं करते इनफैक्ट। सो प्लीज़ वोट फॉर अभिषेक, मेक श्योर दैट ही गेट्स अ ट्रॉफी होम। लॉट्स ऑफ लव एंड स्ट्रे सॉन्ग अभी, यू आर डूइंग वेरी वेल इन द हाउस, बढ़िया कर रहा है तू।